जय हिंद फ्रेंड्स, आम भारत को जेट इंजिन समस्या एमिति ग्रास करिछि जे वर्तमान एहा केवल एक समस्या होई रही नाही, बरंग एक मुंड व्यथार कारण होईछि। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ठीक समय रे एचएएल को इंजिन डिलीवर करा जाउ नथिबारु तेजस मार्क 1 एरो प्रोडक्शन होई पारु नाही, जहा फल रे एही गुटिए प्रोजेक्ट पई तेजस मार्क 2 एएमसीए एवं टीईडीबीएफ प्रोजेक्ट रे विलंब होई चालिछि। जदी आम भारत समय पूर्वरु कावेरी इंजिन को तयारी करि थांता तेबे इंजिन समस्या को किछि मात्रा रे पूर्ण करा जाई पारि थांता, तथापि चेष्टा करा आगामी 5-6 वर्ष भितरे निश्चय सफलता मिलिबो। किंतु एहा मध्यरे फ्रांस द्वारा आम भारत को इंजिन प्रोग्राम को नै बहुत बड़ा ऑफर पेश करा जायछि। फ्रांस द्वारा कहा जायछि आमे भारत सहित 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजिन विकसित करबा पई बद्धपरिकर रहिछु। एहा सहित फ्रांस कहिछि आमे भारत को संपूर्ण सहयोग करिवु एक नुआ इंजिन निर्माण करबा पई। आपण माने समस्ते जानंती एही 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करबा कुथिबा इंजिन को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बा एएमसीए विमान रे व्यवहार करा जिवो। एहा व्यतीत फ्रांस इंजिन डेवलपमेंट छोडा भारत सहित एडवांस मटेरियल एवं मेट्रोलॉजी उपरे मध्य सहयोग करबा पई राजी रहिछि, कारण इंजिन निर्माण पई छोटा छोटा मटेरियल्स एवं मेट्रोलॉजी रो निहाति आवश्यक होइथाय। किंतु आम भारत 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजिन प्रोग्राम पई कोनोसी देश बा कंपनी सहित डील साइन करि नाही किंबा कोनोसी अंतिम निर्णय नै नाही। वर्तमान जीटीआरई द्वारा जीई एरोस्पेस एवं रोल्स रॉयस रो प्रस्ताव को मूल्यांकन करा जाउछि एवं इंजिन को इन हाउस तयारी करबा पई विचार विमर्श करा जाउछि। आपण माने जानंती एही 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजिन प्रोग्राम रे अमेरिका रो जनरल इलेक्ट्रिक, यूके रो रोल्स रॉयस एवं फ्रांस रो साफ्रान पार्टिसिपेट करूछंती। एही प्रोग्राम को नै ब्रिटिश मीडिया तरफ रु कहा जाइछि भारत को स्वदेशी लढ़ई विमान निर्माण करबा क्षमता आसी जाइछि, जहा कि एक टेक्निकल जंप अटे। किंतु इंजिन को नै बहुत बड़ बयान सामना को आसी। द फाइनेंशियल टाइम्स रो रिपोर्ट मुताबक भारत को इंजिन निर्माण करबा पई फ्रांस, यूके एवं अमेरिका द्वारा प्रस्ताव मिलिछि, किंतु एठारे अमेरिका को नै चिंता प्रकट करा जाइछि, खास करी जनरल इलेक्ट्रिक कुनै। रिपोर्ट मुताबक अमेरिका निज सर्तर सहित आसी थाए, जहा फल रे भारत को निर्णय नेबारे प्रॉब्लम क्रिएट होई पारे। जदि भारत जनरल इलेक्ट्रिक सहित इंजिन निर्माण करबा पई आगे बढ़िबो तेबे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बा आईपीआर भारत को मिलिबो नाही। एठारे क्लियर जणा पडुछि अमेरिका निजर राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टि रे रखि एभळी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अन्य देश को शेयर करबा को चाहु नाही, अर्थात अमेरिका निजर स्वार्थ पई किछि कंडीशन रखिबो ही रखिबो। एक्चुअली अमेरिका रो आउ एक समस्या हला भारत सहित रूसिया रो क्लोज रिलेशन। जदि कोनोसी कारण रु टेक्नोलॉजी रूसिया हाथ को चली जाए तेबे अमेरिका टेंशन रे आसी जीवो। तेनु आम भारत को इंजिन रो संपूर्ण टेक्नोलॉजी देबा को राजी हेउ नाही। जदि इंजिन को नै फुल टीओटी ऑफर अमेरिका तरफ रु आसे तेबे एहा गंभीर समस्या होई पारे। तथापि मो मतरे आम भारत जीई सहित इंजिन निर्माण करिवो नाही। अन्य पटे यूके रो रोल्स रॉयस मध्य इंजिन रो आईपीआर देबा सहित फुल टीओटी देबा को ऑफर करिछि। रोल्स रॉयस रो कहिबा मुताबक एचएएल सहित मिलित होई भारत रो आवश्यकता अनुसार एक कस्टमाइज इंजिन को विकसित करि परिबे, जहा कि भारतर एमका विमान को एक नुआ शक्ति प्रदान करिबो। तथापि इंजिन को मिलित तयारी करबा सहित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रो फायदा देखा जिवो नाही, बरंग लॉन्ग टर्म सहयोग को दृष्टि रे रखी फाइनलाइज हेबो। एहा छोडा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मध्य ध्यान दिया जिवो। तेबे आपण माने कमेंट करी कुहंतु एएमसीए विमान पई केउ देशर इंजिन उपयुक्त हेबो, एवं वीडियो जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित आमो चैनल को सपोर्ट प्लीज। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।